बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए अंडा कौरमे की रेसिपी लेकर आई, जिसके लिए जिन मसालों की हमें ज़रूरत है ये है 3 लौंग, और ये 3 लौंग हैं, ये 3 सब्ज़ इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, और ये तेज़पत्ता है, ये जीरा है साबुत, और ये पेस्ट मैंने बना लिया है। ये बादाम और इसका ब्राउन किया था पहले प्याज, उसको मशीन में डाला, थोड़ा योगर्ट डाला, ये पेस्ट बना के रखा है कौरमे के लिए। और ये 1 कप योगर्ट है, गार्लिक जिंजर है, और ये 5 अदद अंडे हैं। और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और ये अंडों में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, ये लाल मिर्च है, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, ये थोड़ा हल्दी पाउडर है, और इसके बाद थोड़ा नमक छिड़केंगे, और ये भी इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मिलते हैं 2 मिनट के बाद। और ये देखें, मैं अंडे फ्राई कर रही हूँ, जैसे ही थोड़े ये फ्राई हो जाएंगे फिर इनको हम चूल्हा बंद करते हैं। तो ये अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, और आगे बताते हैं आपको आगे कैसे। और ये देखें, जो मैंने आपको मसाले बताए थे, जीरा और तेज़पत्ता वगैरह, ये मैं डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, चूल्हा हमने आस्ता कर दिया है, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे ऊपर से गार्लिक और जिंजर, ये चला गया गार्लिक जिंजर, इसको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा फ्राई करेंगे, और बाद में इसमें हम चूल्हा हमने बिल्कुल आस्ता किया हुआ, गार्लिक जिंजर हमारा फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज और प्याज का जो पेस्ट बनाया था डाल के जो वो डाले हैं, इसमें बादाम भी है, इसमें योगर्ट भी है, और प्याज भी। ये हमने पहले फ्राई किया था, और इसको हमने मशीन में डाल के पेस्ट बना लिया था। ये देखिए, इसका ऑयल अभी ऊपर आ गया है, जो हमने प्याज वाला मसाला बना के डाला था, और बादाम वाला, ये अभी रेडी है। अभी इसमें हम ये मसाले ऐड करेंगे, ये मसाले ये हैं, ये लाल मिर्च है, ये थोड़ा सा नमक डाले कि नमक आगे भी डालो अंडों में, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये मसाले से डालेंगे। ये मसाला चला गया, अब इसमें मसाला रेडी होगा, फिर बताते हैं आगे क्या करें। ये देखें, मसाला हमारा बन चुका है, ये ऑयल ऊपर आ गया, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। ये मसाले को भूनेंगे थोड़ा, जैसे मसाले रेडी आएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस मसाले को भूनेंगे। ये मसाला हमारा रेडी हो गया, ऑयल ऊपर आ चुका है, इस पानी के हम इसमें डालेंगे। ये ऑयल ऊपर आ चुका है, अब इसमें 1 कप जिंजर डालेंगे। ये भी चला गया, दही को मैंने फेंट दिया था पहले, और ये हमारा दही इसके अंदर चला गया।
मसाला हमारा रेडी हो रहा है। ये मसाला अभी हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। अभी ये थोड़ा हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे, थोड़ा पानी डाल के जो हमने डाला था इसमें दें। अभी इसको हम ऊपर से बंद करेंगे। भैया देखिए मसाला हमारा थोड़ी देर में रेडी आएगा, फिर बाद में मिलते हैं 2 मिनट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसाला हमारा रेडी हो रहा है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए ऑयल पूरा ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया, ये रेडी है। और इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे। और ये देखिए मसाला हमारा रेडी है। अभी मैं इसमें अंडे डालूंगी, ये अंडे जा रहे हैं इसमें, ये अंडे पूरे डाल दिए। इसको मैं थोड़ा अंडा में थोड़ा फ्राई करूँगी, थोड़ा मसाले में भूनूंगी। और व्यूअर जैसे कि मैंने आपको बताया था अंडे मैंने उबाले थे, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े थोड़े कट लगा दिए थे, बाद में मसाले डाल के मैंने इनको फ्राई कर दिया था। ऑयल में कट इसलिए लगाए थे कि ये मसाला जो है इनके अंदर चला जाए। ये अभी मसाले में फ्राई हो चुके हैं, अभी ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, सालन हमारा रेडी है। इस पॉइंट पे हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। ये थोड़ा पानी चला गया, ये पानी डाल दिया। और हम इसको करेंगे 5 मिनट बंद, और फिर बाद में मिलते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने डालना है इसमें 2 मिर्चें डालनी है, क्योंकि सालन हमारा कम है और मिर्चें भी ज़्यादा नहीं कर। ये चला गया इसके अंदर धनिया। और अब इसको मैं रखूँगी स्टीम पे, दम पे रखूँगी, और मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो ये देखें हमारा सालन जो है रेडी हो चुका है। ये है अंडा कोरमा। अंडा कोरमा सेम इसी तरह बनता है जैसे हम मटन कोरमा बनाते हैं, इसी तरह बनता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये देखें हमारा जो है अंडा कोरमा तैयार हो गया है। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। और व्यूअर आज की अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शेयर भी करें।